नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दिल के इंडिजिनस इंडिया 750 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आजकल दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है, यह बॉलीवुड की एक्ट्रेस राखी सावंत का है, जिन्होंने आदिवासियों के लिए कितनी घृणा और असली रूप दिखाकर और असली वस्त्र पहनकर अपने आप को आदिवासी लोग बताकर किस तरह से आदिवासियों को अपमानित किया। यह वीडियो आप देखिए। हे गाइस, आप मेरा ये लुक देख रहे हैं आज, पूरा ट्राइबल लुक्स, आदिवासी जिसको हम कहते हैं वो लुक्स है। और ये देखिए, बुम 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 बुम। जैसे कि आपने देखिए किस तरह से ये राखी सावंत जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, यह किस तरह की महिला अपने जो वस्त्र है उसको आदिवासी का वस्त्र बताकर, ट्राइबल वस्त्र बताकर, उसने बराबर मेंशन किया है कि आदिवासी ट्राइबल लुक है और उसमें अश्लील हरकत करी, बूम बूम, क्या है ये? कहां के आदिवासी उनसे बूम बूम करते हैं और कहां से, क्या तुम लोगों ने थोड़ा सा कुछ पंख वगैरह लगा लिए वस्त्र में तो क्या आदिवासी बन गया, क्या आदिवासी लुक हो गया क्या? कहां पहनते ऐसे कपड़े? हाँ, जिस इलाके में ज्यादा गर्मी होती है होगी उस इलाके के आदिवासी हो सकता है कि छोटे वस्त्र पहनते होंगे, परंतु इस तरह की घिनौनी हरकत कौन करता है? और इस तरह के वस्त्र किसी भी आदिवासी के होते नहीं है मेरे ख्याल से, परंतु ये इनकी जैसी एक्ट्रेस अपने आप को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने के लिए विवादित काम करती रहती है। ये राखी सावंत हमेशा विवादित बयान देती रहती है और विवादित काम करती रहती है ताकि इनको सोशल मीडिया में वायरल हो और उनको ज्यादा क्रेज मिले और इससे इनको मूवी मिलती है, परंतु आदिवासी का अपमान कर ये सही नहीं है। आदिवासी का अपमान करके तुम जो मूवी वगैरह लोगे ना, वो सही नहीं है। यह वीडियो बोला जाता है कि कोई एल्बम सॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ये कॉस्ट्यूम पहने थी जो कि आदिवासी कल्चर बताकर इसे ये सब बदनाम की है। यह कॉस्ट्यूम कहीं से कहीं तक आदिवासी का नहीं है और हमारे लोग इस तरह की हरकत कभी नहीं करते हैं जिस तरह की हरकत ये करके दिखाई है। इसके खिलाफ जगह जगह पे विभिन्न आदिवासी संगठन आज भी इसके ऊपर FIR कर रहे हैं और सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी FIR करें अपने इलाके में। STSC एक्ट के तहत इसके ऊपर FIR हो क्योंकि आदिवासी को इसने अपमान किया है। इस जैसी गवार औरत, मैं तो गवार ही बोलूंगा, आदिवासियों को इस तरह की घिनौनी हरकत दिखाते हुए प्रस्तुत की है, ये बहुत ही गलत है। और बाकी ही उसने आदिवासी नाम मेंशन किया है और ट्राइबल नाम मेंशन किया है। हमको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है बहन, बहन तो बोलना ही बेकार है, चुड़ैल है वो। मैं नारियों के सम्मान करता हूं परंतु जैसे चुड़ैलों के नहीं जो आदिवासी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करे और ऐसी हरकतें करे। और यही बात थी। और मैं तो अभी भी सभी क्षेत्रों के जो भी यह वीडियो देख रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा FIR करें, इसकी क्लिप बकायदा FIR के साथ लगाएं ताकि पता चले इसको, और माफी, इसको तो माफी तो मांगना पड़ेगा आदिवासियों से। इस तरह का अपमान नहीं सहन करेंगे। अभी भी छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, सभी तरफ के इलाकों में न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार खबर आ रही है कि इसके ऊपर FIR करी जा रही है, क्योंकि हम इस तरह का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी मूवी हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर समय हर जगह आदिवासियों को बहुत निम्न तबके में रखकर उनको प्रस्तुत किया जाता है। ये लोगों की मानसिकता है। और अभी यही हुई राखी सावंत की बात, और मैं तो सभी लोगों से अपील करता हूं कि FIR करें। और सेकंड बात, जो इंदौर मध्य प्रदेश में
शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री, उन्होंने जो भवरकुआ चौराहा जो इंदौर में है उसका नाम बदलकर टंटे भील चौराहा रखा था। उसका बोर्ड वहां पर लगाया था जो उनकी बलिदान दिवस मनाया गया था तब टंटे भील का, उस समय उसकी घोषणा की थी और उस समय उसका नाम बदलकर टंटे भील चौराहा रखा गया था। उसका जो बोर्ड लगा था उसको लगातार दो दो बार, एक बार हो तो चले दो दो बार, जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उसको स्क्रेच किया, उसको नष्ट करने की कोशिश की। यह क्या इससे प्रतीत होता है कि आदिवासी क्रांतिकारियों के लिए तुम्हारे हीन भावना किस टाइप की है, तुम्हारी मानसिकता दर्ज करते हो। एक बार हो तो हो, एक बार जब पूरे तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में उस बोर्ड को स्केच किया था तो लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग, उन्होंने एफआईआर करने के लिए थाने में अपील की थी तो नगर निगम जो प्रशासन है इंदौर प्रशासन उसने जल्द सुधरा दिया था, और फिर से अभी दो दिन पहले फिर से उसको स्केच किया, ये क्या। और वहीं पर उसके 50 मीटर की दूरी पर जो थाना है भवरकुआ थाना, फिर भी उसके सामने ऐसी घटना हो रही है। इससे मानसिकता दिखती है कि आदिवासियों क्रांतिकारियों के प्रति आपकी क्या मानसिकता है। और जो बहुत सारे संगठन, हिंदू जनजाति संगठन, और ये अपने राजू सोलंकी ये दिख रही है, इनके जैसे लोग कभी इस बारे में क्यों नहीं लिखते। दुनिया भर की चीजें तो इनको सोशल मीडिया में बहुत लिखना आता है, न्यूज में बहुत पढ़ना आता है, न्यूज में बताना बहुत आता है, परंतु ऐसे क्रांतिकारी ये अपमान हुआ तो इसके बारे में क्यों नहीं लिखते। कौन लोग हैं ये करने वाले, इसके बारे में नहीं बोलोगे आप, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अकाल लोग हैं, मैं तो खुल के बोलूंगा। क्यों नहीं लिखे आप, क्यों अपमान कर इसके बारे में नहीं लिखे? दुनिया भर की चीजें तो तुम बहुत लिखते रहते हो। तो ये दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को हमेशा रेलते रहूंगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है जो अपने ही समाज के होकर अपने ही लोगों का विरोध करते हैं। बस यही बोलने के लिए और यही चीजें बोलने के लिए आपके सामने मैं आज यह वीडियो बनाया। तो बस आप लोगों से अपील है कि जो जिसने भी ये कृत्य किया उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और जो एक्ट्रेस हमारे लिए ऐसे अपशब्द और अमानवीय कृत हरकत की है इसके ऊपर एफआईआर करें। तब तक इसको माफी नहीं मांगती तो तब तक इसके ऊपर यहाँ, और हो सके तो इसके ऊपर अच्छा खासा केस ठोकना चाहिए। मैं सभी लोग से अपील करता हूँ, और बस यही बोलने के लिए मैं आज वीडियो बनाया था। तो अब फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जोहर। उसका जो बोर्ड लगा था उसको लगातार दो दो बार, एक बार हो तो चले दो दो बार, जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उसको स्क्रेच किया, उसको नष्ट करने की कोशिश की। यह क्या इससे प्रतीत होता है कि आदिवासी क्रांतिकारियों के लिए तुम्हारे हीन भावना किस टाइप की है, तुम्हारी मानसिकता दर्ज करते हो। एक बार हो तो हो, एक बार जब पूरे तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में उस बोर्ड को स्केच किया था तो लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग, उन्होंने एफआईआर करने के लिए थाने में अपील की थी तो नगर निगम जो प्रशासन है इंदौर प्रशासन उसने जल्द सुधरा दिया था, और फिर से अभी दो दिन पहले फिर से उसको स्केच किया, ये क्या। और वहीं पर उसके 50 मीटर की दूरी पर जो थाना है भवरकुआ थाना, फिर भी उसके सामने ऐसी घटना हो रही है। इससे मानसिकता दिखती है कि आदिवासियों क्रांतिकारियों के प्रति आपकी क्या मानसिकता है। और जो बहुत सारे संगठन, हिंदू जनजाति संगठन, और ये अपने राज्य हिंदू जनजाति संगठन है, और ये इनके जैसे लोग कभी इस बारे में क्यों नहीं लिखते। दुनिया भर की चीजें तो इनको सोशल मीडिया में कभी इस बारे में क्यों नहीं पढ़ना आता है, दुनिया भर की चीजें बताना बहुत आता है, सोशल मीडिया में बहुत लिखना आता है, परंतु ऐसे क्रांतिकारी इसके बारे में बताना बहुत आता है। कौन लोग हैं ये, परंतु ऐसे क्रांतिकारी ये अपमान के बारे में इसके बारे में क्यों नहीं लिखते।
क्यों लोग है ये करने वाले? क्योंकि तुम्हारे आका लोग, इसके बारे में नहीं बोलोगे आप, तो खुल के बोलूं क्यों? क्यों नहीं लिखे? तुम्हारे आका लोग मानकर इसके बारे में क्या बोलूंगा? दुनिया भर क्यों नहीं लिखे आप? बहुत क्यों अपमानते रहते हो? इसके बारे में नहीं लिखे दुनिया भर की ये दोस्तों लिखते रहते हो, ऐसे लोगों को हमेशा रहने दे रहा हूं ये दोस्तों मैं, और ऐसे ऐसे लोगों को हमेशा रहना जरूरी है जो अपने ही समाज के होकर सबक ही खाना बचत करते हैं। जो बस यही बोलने के लिए और यही चीजें बोलने के लिए आपके सामने मैं आज यह वीडियो बनाया, तो बस आप लोगों से अपील है कि जो जिसने भी ये कृत्य किया उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और जो एक्ट्रेस हमारे लिए ऐसे अपशब्द और अमानवीय कृत हरकत की है इसके ऊपर FIR करें। तब तक इसको माफी नहीं मांगती तब तक इसके ऊपर यहाँ, और हो सके तो इसके ऊपर अच्छा खासा केस ठोकना चाहिए। मैं सभी लोग से अपील करता हूँ, और बस यही बोलने के लिए मैं आज वीडियो बनाया था। तो अब फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर।